गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे, सिट डाउन। बहुत अच्छे। तो बच्चे, आज मैं आपको इतिहास विषय में अतीत से वर्तमान में अध्याय 6 का जो टॉपिक है जीवन के विभिन्न आयाम, ठीक है, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। जीवन के विभिन्न आयाम। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो काफ़ी फला फूला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी, इसका पतन लगभग जो है 3700 ईस्वी पूर्व हो गया, ठीक है। और इस सभ्यता के पतन के बाद पश्चिमोत्तर भारत में कुछ लोग बसने लगे और एक विशेष प्रकार के भाषा बोलते थे। साहित्यिक और अन्य स्रोतों से पता चलता है इनके बारे में। इन स्रोतों में वेदों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए, इनके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है कुछ अभी कुछ देर पहले। मैं एक बार फिर से देखता हूँ कि आप में से कितने बच्चे हमारे सवाल जवाब में भाग लेकर आप कितना प्रदर्शन कर पाते हैं, ये मुझे देखना है, ठीक है। सही बच्चे, पूछा जाए। हाँ, तन के बोलिए, पूछा जाए। वेरी गुड। चलिए, मैं पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा। वेदों की संख्या कितनी है? क्या कोई बच्चा खड़ा होकर बताएगा? एक और कोई दूसरा? हाँ हाँ बोलिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। वेरी गुड। बैठ जाइए बच्चों, ताली निकलने वाली भाई। तो चार वेद हैं, ठीक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेरी गुड। चलिए, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि उत्तर वेद में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? उत्तर वेद में जो है, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, ये बताएंगे? उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? चलिए, सही जवाब है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। ये सभी जो है वेद जो है किसमें आते हैं? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सभी बच्चों ध्यान से कि ऋग वैदिक युग का जो है समय क्या है? हाँ, 1500 यानी 1500, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। मतलब 1500 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हुआ? ईसा के जन्म के 1500 साल पहले, ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक, से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, ये हमारा ऋग्वेद का समय, ऋग्वेदिक काल का समय है, ठीक है। बच्चों, अगला प्रश्न हम पूछते हैं, उत्तर वैदिक युग का समय कब से कब तक है? जी हाँ, सही जवाब है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। ये किसका समय बेटा? उत्तर वैदिक, ठीक है, पूर्व वैदिक का नहीं है, उत्तर वैदिक का है।
पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक एक होता है, उसका समय हमने पढ़ा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, और इसका जो है एक नहीं ऋग वैदिक का हमने पढ़ा 1500 से लेकर 1000, और उत्तर वैदिक का 1000 से लेकर 600। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग पूछे हैं। हाँ, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ लड़का बोलेंगे, ब्राह्मण की संख्या कितनी है? ब्राह्मण की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा, ब्राह्मण की संख्या 9 है। ठीक, और अब अगला प्रश्न हम पूछते हैं कि अरण्यक की संख्या कितनी है? 6। कितनी है अरण्यक की संख्या? 6। वेरी गुड, अरण्यक की संख्या जो है 6 है। अगला सवाल, प्रारंभिक उपनिषद कितने थे? 13। प्रारंभिक उपनिषद कितने थे? 13। वेरी गुड, प्रारंभिक उपनिषद की संख्या 13। बहुत अच्छा, प्रारंभिक उपनिषद की संख्या 13 थी। और एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये बताओ बाबू कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी थी? 108। कितनी थी? 108। हाँ, उपनिषद की कुल संख्या 108। उपनिषद की जो कुल संख्या है 108। बहुत अच्छी बात। और हम एक महत्वपूर्ण सवाल, अब लास्ट सवाल हम पूछेंगे आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कब हुआ? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो 3700 ईस्वी में पूर्व में हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? ठीक है बच्चों, तो आज का कक्षा जो है यहीं पर समाप्त होता है। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये तथ्य जो है काफ़ी रुचिकर लगा होगा, और आप इसको घर पर भी देखकर रिवीजन करेंगे और अब इसको याद करेंगे। थैंक।